इधर देखिए वही राजकुमार इंदर बियाबान जंगल में बैठा होता है। चूबे बाबा क्या बच्चे चाट हो तू, चूबे बाबा क्या बच्चे। चूबे बाबा क्या बच्चे चाट हो तू, खुल गया है तेरा साले बहु रूपिया पर, आज चिंता ना छोड़ू तुझे मोटा लूंगा उसको। चिंता वापस हाँ से न जा पाएगा, डालूंगा मैं तुझको। बच्चा तेरी क्या हस्ती है जो जो तू मुझे आए? और तुझ में वो ताकत नहीं है, तू योगी नहीं है, तू सिर्फ रस का भोगी है। क्या आ तैयार हो जा, तुझे अगर तुम्हारे दिल में यह इच्छा है तो अवश्य मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तैयार हो जाओ। जय बाबा अमरनाथ। बहुत अपना को गिरता है सुन। क्या ओए समझा रहा कि चले छोड़कर यहां से चला जा। हम लोग हैं एक बाबा है, हम लोग योगी हैं। अरे तुमको तो ये कहना चाहिए अगर हम लोग जहां बैठे हैं आपको दर्शन, और तुम अच्छा इसका मतलब ये तुम्हें नहीं मालूम कि चमन हमारा है। ठीक है तुम्हारा चमन है। हाँ ये चमन किसके जरिए से आज हरा भरा है? हमारी जरिए। अच्छा तुम्हारी जरिए से। मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम सीधे यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अन्ना पे मौत यहाँ मारे जाओगे। अरे जा। क्या है तेरी हस्ती है, क्या क्या तेरी ताकत जो तू मुझे मारेगा? अच्छा तो तैयार हो जाओ। वाह इनको बता था जोगराज गणपत साले, ये तो पीर नहीं कायर है बुजदिल, पीर नहीं कायर बुजदिल निकले। बाबा जी अरे रहने दो साले। बाबा जी क्या मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ? अरे तुम मुझे मारने बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ एक शर्त पे, तुम लोग पहले गंगा माँ की सौगंध खाओ और ये कहो कभी दोबारा इस बगीचे में हमें तंग करने के लिए नहीं आओगे। लो हम गंगा माँ की सौगंध खाते हैं कि कभी दोबारा हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे। ठीक है बात ठीक है। अरे बाबा भुजंगी। हाँ बाबा रही। बाबा जी तुम तो फाइटिंग कर लिए थे, तुम तो मार फाइटिया मार मारते रहे। ये हमारे सब अमरा जी का गुरु का कमाल है। वो तो है, क्यों नहीं समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है आओ लोग विश्राम करते हैं और चलते हैं। ठीक आओ। कमाल कहते हैं, कमाल कहते धोती फाड़ के रुमाल कहते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजपाल महाराज गणपत और जोगराज उस बाबा को पकड़ने गए हैं महाराज, अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप किसी प्रकार का टेंशन ना लो, इतने बहादुर लड़का है तुम्हारा। वो संत नहीं, वो कोई अवतारी लगता है। बाबा अकेला था कि और कोई था? नहीं सिर्फ अकेला था। और मेरी की मार बहुत। तुम कितने थे? हम दो लोग थे। एक बाबा से और तुम दोनों हार मांग कर हमारे पास आए। पिताजी जिस दिन आपका सामना होगा आप ही याद करेंगे कि कैसा बाबा है वो। खराब खून तुम लोगों ने मारा शेषण कलम मिट्टी में मिला दिया। हमने तो ये सोचा था कि हमारे बेटे बड़े बहादुर हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और ये बताने आए हो कि हम हार मान कर आए हैं या मुंह दिखाने आए हो? हम लोग करेंगे क्या? कोई उपाय नहीं। एक चुल्ल भर पान में डूब के मर जाओ। सुने तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे उस बाबा का। हम तुझे चले एक ब्रह्मभास देते हैं, उस ब्रह्मभास को ले जाओ। तुम तो हो और एक वो अकेला है। जब एक से लड़ने लगेगा तो उसी ब्रह्म फांस जाल में उसे फांस लेना। अगर वो असली बाबा है तो वो अपनी मान मर्यादा को नहीं तोड़ेगा, उसे हमारे पास लाओ। ठीक जाओ। बाबा तो हमारे बेटे के हाथों से बच गया, लेकिन इस ब्रह्मफास जाल से नहीं बचेगा। इस ब्रह्मफास जाल पकड़ हमारे पास आएगा तब तो से पूछूंगा कि तू बाबा है कि या बहुरुपिया। हम विश्राम करते हैं और भगवान का नाम।
सारा बजदेन उस दिन गंगा की सौगंध खाई और आज हमारे सामने ही आ गए। हम लोग जो भी करते हैं कभी वादा पूरा नहीं करते। तैयार हो जाओ। ये मत, तुम्हारी इच्छा है लड़ने की तो आज तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे। तैयार। एक मर्द के लिए दो हिजड़े काफी होते हैं। क्या बोल को गए, कहां गई तेरी बहादुरी की सार। जोगले कहां गई तेरी बहादुरी की सार। और जिस पर तू चलता था पता था बलिदान। सामने होगा। ठीक है, देखता हूं तेरे पिताजी को कौन है बलवान जो आज धोखे से मुझे ये ब्रह्मास, ये हनुमान जी की ब्रह्मास है जो इनकी रक्षा वो भी करते थे। ठीक है, इनका मान मैं नहीं तोड़ना चाहता, वरना आज आज तुम लोगों को, वरना तुम कुछ भी नहीं करते। अरे ये तो वक्त बताता है। ले चलो सालो। और इधर शेष नाग के महाराज, शेष नाग के हवेली में महल में लेके जाते हैं बाबा को, उनके बच्चे उनके बेटे पकड़ कर। फिर क्या होता है कहानी पर ध्यान दीजिए। अरे खबर ले हमारी, खबर ले हमारी, खबर ले हमारी। अरे साहेब जगा जीवन, खबर ले हमारी। हम पकड़ ले हैं,
द्वारपाल लौंडे हमारे बहादुर है, बहुत बहादुर है, और हम लोग उन्हें ब्रह्मफास दे दिया है। अब वो बाबा ब्रह्मफास के जाल से नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, बाबा को तो आना पड़ेगा। चल तो अपने ड्यूटी बुला अब आने का इंतजार करें। क्या पकड़ जो इधर लाया हूँ दरबार, पकड़ जोगरे को इधर लाया हूँ दरबार, जमीने कितना कार दो तो सीसी का बच्चा आपके सामने हाजिर है, चाहो तो इसको इसी वक्त जमीन में गाड़ दो, जा तो इसका सिर उतार लो। अच्छा यही है वो बहुरुपिया। ए बाबा तू कहाँ करने वाला है? शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जिस हाल में हमें तुम कैद करके लेके आए हो, अगर पता चल गया तो तुम शादी नहीं जानते। अरे कुशल मगा, कुशल मना अपनी जान की, ये तो हमारी मर्जी, हम तुझे ब्रह्म फांस के जाल फांस दिए, नहीं तो तेरा सर काट कर जमीन में डाल देते। लेकिन नहीं, ये पुश्तिलों काम है, हम क्षत्रिय है, धोखे से वार नहीं करते। उदल चाचा तो मेरे क्या सुना नहीं तू, उदल चाचा तो मेरे क्या सुना नहीं तूना, मेरा मन खान है जिस दिन वो तो सुन पाएगा, शिकली तेरी नगरी और लंका सी फूंक पाएगा। अच्छा हाँ हाँ, तुम होबा कर रहने वाला है? हाँ हाँ, होबा करने वाले हैं, और हमारे तेरे चाचा बहुत बड़े बलवान है। नहीं राय, तू नीच कुल का है, ऊंची आवाज नहीं संभाल के बात करना। जोगराज इस हराम खोर करो डाल दो बक्से में, ले जाओ मेरी नजरों के सामने, हम इसकी शक्ल ही देखना चाहते। ये तो वक्त बताएगा शहजाद। चुप, अब क्या योगराज एक टेंशन मुक्त हो गए, अब ये अपने भक्सी में पड़ा रहेगा, अपनी कैद में रहेगा। लेकिन बेटा एक बात और भी है। कौन सी बात? तुम्हारी बहन शादी योग हो गई है, अगर घर में लड़की सैर हो जाए हाँ, तो एक नागिन होती है। क्यों नहीं बेटा? किस वक्त दफले कोई पता नहीं है। हाँ बेटा जी, और साल लड़की को घर पे रखना महापाप है। क्यों नहीं बेटा जी? तुम दोनों भाई जाओ, हाँ टीका लगा करके, जो भी बहादुर इंसान हो
उस टीके को उसके चढ़ा दो। ठीक है पिताजी। और टीका चढ़ाने से पहले हाँ हमारी शर्तें बता देना। कौन सी शर्त पिताजी? कि 3 महीने 13 दिन जंग होगी, हाँ उसके बाद उसकी शादी होगी। अगर यह शर्त तुझे मंजूर है तब तो वो टीका कबूल करे, अन्यथा इनकार करे। ठीक है पिताजी, आपके कहने के अनुसार हाँ दोनों भाई टीका लेकर जा रहा हूं। जाओ बेटा जाओ, सदा खुश रहो। अच्छा कुर्ता सिला तूने तेरी काट का, अच्छा कुर्ता सिला तूने तेरी काट का, नाप लिया मेरा सिल दिया बाप का। अच्छा कुर्ता आशा गौर करेगा, देखिए ये काशगढ़ है और यहाँ के महाराज गजराज का लड़का लोहा सिंह अपने दरबार में बैठे हुए हैं और अपने नौकरों से क्या बात करता है। भैया लोहा सिंह, जयराम जयराम। अब भैया ठीक है? कहो क्या हो रहा है? बस आप ही का इंतजार हो रहा है। आजकल क्या कर रहे हो? बेदर्दी से प्यार का। अच्छा, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला हमरे बाप के शादी का, सुहारा ना मिला। ये क्या कह रहे हो? चुप रहो, चलकर ड्यूटी दो गेट पर। अब जैसे गेट पर ड्यूटी ना देखा हूँ अलग दे दे। अरे जैसे खलिहान में है बगिया। चुप रहो, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ तुम्हें जाना होगा। बात तो सही है, जहाँ पे हो जाए कोई। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? कोर्ट कसौटी में किस लिए आए हुए हो? हम आपको जरूर बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। डोरी बोल, अबे कहाँ गया? देखो ये दो लोग आए हुए हैं, इनका इनके नाश्ता पानी का इंतजाम करो। सबसे पहली बात ये है, पकौड़ी खाई हो? हाँ पकौड़ी पकौड़ी। और ठंडी है, ले कोका लोला पियो। कोका लोला? हाँ काया बोतल में होत है, ठक ठक खोलो। कहीं तुम तो लोला नहीं? ए बताओ उसे कोका कोला कहते हैं। हाँ भाई कोका कोला। अब भैया यहाँ बहुत परेशान लागत, धोखा लागत। कहाँ से आ रहे हो? हाँ हमारा कौन शिकार खेले गए होगा? ओ लोग जहाँ से आयो भाई, सिंगल दीप से आया हो। सिंगल दीप से आया हो? राज और गड़बड़, मैं दोनों भाई हूँ और मैं अपनी बहन कट्टी का चढ़ाने के लिए आया हूँ। कैसा है सिनाग मेरे पिता, गणपत मेरा सिनाग मेरे पिता, गणपत मेरा नाम, चलाए टीका बहन का, सुनिएगा। तीन म
महीना तेरा दीप है और चमके बहात धारा। अगर संत मंजूर हो, अगर संत मंजूर हो तो मानो, वरना देखो तू लेकर क्या आए हैं। ठीक है, तुम सिग्नल द्वीप के रहने वाले हो, अपनी बहन का टीका लेकर आए हो। क्या शर्त याद की है? शर्त यह है कि 3 महीने 13 दिन, ओ 3 महीने 13 दिन तलवार चलेगी। अगर मंजूर हो तो हाँ करो, अन्यथा हम दूसरा दौरा देखते हैं। और डरते लड़ने से नहीं, अरे काल लड़े जाए। कसौटीगढ़ है, हम छत्री हैं, लड़ने से डरते नहीं हैं। 3 महीना 13 दिन हो या 6 महीना 13 दिन हो, तो फिर आपको शर्त मंजूर है? बेशक चढ़ा दीजिए टीका। अगर शर्त मंजूर है तो बैठो, हम टीका चढ़ाते हैं। हम लोग छत्री हैं, डरते नहीं किसी से। ठीक है, हम टीका चढ़ाते हैं। अबे छींक, इसी वक्त तुझको छींकना था। अबे नालायक, अरे छींके काट लियो। चुप रहो, अंकल लगे सगुन वगुन ठीक नहीं है। ओ मंगला विशालम सफेद देवी चुगली चुगला लौंडे का टीका कर दियो। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं बारात लेकर आपके नगर सिंगल दीप में आऊंगा। लेकिन शर्त याद रखना, तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा। शादी करने से पहले 3 महीने 13 दिन की बात मत भूलना। ठीक है, मैं सुन चुका हूँ तुम्हारी साथ, आप जा सकते हैं। हेलो, हमका लागत है क्यों शादी न करो? क्यों? 3 महीना 13 दिन तलवार कौन लड़ी हुए? क्या? चुप रहो। तो तू हमका छुट्टी दे दियो। खामोश। हमका छुट्टी दे दियो, घर का जाए। चुप रहो। हमने लौंडे में हेरवा पैदा हुए वाली, हमका सवर बैठे। क्या? हाँ सवर बैठना। हमका तुम सवर बैठोगे, सवर बच्चा तुम्हारी औरत के पैदा होगा और सवर तुम बैठोगे। भैया जैसे बताऊ, अब हमारे घर में कोई दुसरिया नहीं है, अब जैसे मेहरुआ टट्टी पे साहब जाए लाग तो छुड़िया लेके सवर में हमहिन करे तो वैसे एक बड़ी। चुप रहो, सुनो तुम्हें कहा जाना है। तुम यहाँ से चले जाओ कहा? मेरे जीजा मलखान सरसागढ़ और जाओ, उनको साथ लेकर आना। अच्छा, और पूरी हकीकत बतला देना। ठीक है कि मेरा टीका चढ़ चुका है। ठीक है, ठीक।